आध्यात्म कला और विज्ञान का अनूठा संगम। जमकर वायरल हो रही नरसिंहपुर जिले के निवारी गांव की ये झांकी। आईटीआई के छात्रों ने मां के नौ रूपों को बिठाया इलेक्ट्रिक ट्रेन में। हिंदू मुस्लिम एकता की जीती जागती मिसाल है ये झांकी। ग्रामीण मानते हैं इस गांव को अयोध्या। दर्शन के लिए प्रदेश भर से उमड़ रही है भीड़। तो आप भी देर मत करिए, चले आइए नरसिंहपुर के निवारी गांव और प्राप्त कीजिए मां का आशीर्वाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीबीसी भारत। इस समय हम आ चुके हैं नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव निवारी में, जहां पर इन ग्रामीणों ने बड़ी ही मनोहारी तरीके से एक झांकी बनाई है और महामाई को बिठाला है एक ट्रेन के स्वरूप में। तो आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछले दो सालों से कोविड के कारण कोई भी आदमी नवरात्रि के त्यौहार को बेहतर ढंग से नहीं मना पाया था, लेकिन इस बार महामाई की कृपा हुई और पूरे भारत में नवरात्रि जबरदस्त तरीके से मनाई जा रही है। ऐसे में हम आ गए हैं नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गांव निवारी में। खास बात ये है और लाइमलाइट में आने वाली बात यह है कि ये जो ट्रेन बनाई गई है ये पूर्ण रूप से गांव में ही तैयार की गई है और गांव के ही टेक्नीशियंस ने इसको तैयार किया है। क्योंकि सदियों से पौराणिक रूप से गांव में मूर्ति गांव के कलाकार लोग तैयार करते हैं, जैसे भाई साहब लोग हैं, इनको जीवन हो गया है। तो मन में विचार आया क्यों ना कोई ऐसा कोई नया काम किया जाए जो कि सिर्फ गाँव के लड़कों के द्वारा किया जाए। क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट देख रखा था इलेक्ट्रिक ट्रेन का, तो वो मेरे दिमाग में था कि क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए जिसमें देवी माई की कृपा हो गई और वो सफल रहा आने में। टेक्निक जो मैंने सोचा कि मतलब कितने राउंड मोटर में निकलते हैं, जैसे 1440 अपने राउंड मोटर में निकलते हैं, तो 1440 राउंड को अपन को सिर्फ चार राउंड पे लेके आना है तो उसमें कितना लगेगा। चूँकि अपने पास स्पेस भी बहुत कम था तो उस स्पेस में कैसे कम से कम जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम लिया जा सकता है। हमारे साथ केशव प्रसाद चौरसिया जी मौजूद हैं। ये आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मूर्तियाँ भी इसी गांव में बनाई गई, कहीं बाहर से नहीं बुलाई गई हैं और बनाने वाले यही हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रहा। मेरा ये कहना है कि मूर्तियाँ तो हम लोग बहुत पहले से बना रहे हैं और सबसे पहली बात तो हम लोग इसकी निछावर नहीं लेते, कभी निःशुल्क बनाते हैं। और हमारे और भी सहपाठी हैं, रहीम भाईजान हैं और राजू भाई हैं, कमलेश भाई हैं, ये सभी सहयोग करते हैं, पूरा गांव सहयोग करता है। और हम हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों सब इसमें सहयोग करते हैं। क्या कुछ लगता है जी आपको? अरे लगता तो बहुत ही बढ़िया कि हम पास में कोई बड़े भाग हैं कि आज हमारे दरबार में से नौ दुर्गा जी विराजी हैं। बहुत बड़े भाग जो गाँव तो अयोध्या है भैया, हमारा पूरा गांव इकट्ठो है और हम लोग सब हिल मिल के इस काम को करते हैं, पूरा गांव एक आदमी ऐसा कोई तो नहीं हुए। हाँ, आपने देखा कि बुजुर्ग वर्ग का कहना है कि पूरा गांव सब मिलजुल कर करता है, ये ग्राम निवारी नहीं अयोध्या हम इसको मानते हैं। इस सब कवायद के पीछे न केवल हिंदू बल्कि रहीम खान जैसे नाम भी हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हमारे नरसिंहपुर ज़िले के जो व्यूअर्स हैं वो निवारी ग्राम एक बार ज़रूर आएँ और इस मनोहारी झांकी को ज़रूर देखें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंस राज और दीपक सोनी के साथ विक्रांत मिश्रा की रिपोर्ट, पीवीसी भारत, नरसिंहपुर।